और मुझे पहले बिल्कुल भी शौक नहीं था, बट अब मुझे शौक चढ़ गया है। उसके साथ एक सीक्रेट सीक्रेट गला पकड़ लिया उसका मैंने, चपेड़े मार रहे वो दूसरी मैंने। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे, और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। और आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी व्लॉगिंग करती हूँ, अपनी घरेलू लाइफ के बारे में मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें करती हूँ कि आज मैं क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ अपनी घरेलू लाइफ शेयर करती हूँ। ये मेरी बेटी है और ये थोड़ा सा शर्मा रही है। इधर आ जाए भाई, दिखाएं शक्ल, कौन है, हेलो करें। हेलो, नाम क्या आपका, नाम बताएं जल्दी से। महानूर। ये मेरी बेटी है महानूर, और मेरी दो बेटियां हैं और तीन बेटे हैं। सेकंड, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आज मैं आप लोगों के साथ एक सीक्रेट सीक्रेट मेरे पैरोट हैं, मेरे पैरोट और पिजन, वो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। और मुझे पहले बिल्कुल भी शौक़ नहीं था, बट अब मुझे शौक़ चढ़ गया है। अब मुझे शौक़ इस तरह का चढ़ गया है कि मैंने पिजन रख लिए हैं, और किसी टाइम पर बिल्कुल भी मुझे शौक़ नहीं था। बट कहते हैं कि इंसानों की क्या दुआ, आजकल तो कोई इंसान किसी को दुआ नहीं देता, ठीक है, लेकिन जानवर बेजुबान होते हैं। हम जानवर को खाना देते हैं, जानवरों को हम दाना देते हैं, उनकी केयरिंग करते हैं, तो ये समझ लें कि वो बेजुबान जानवर हमें दुआ देते हैं। सो मैं आज आप लोगों को अपने जानवर भी दिखाऊंगी, अपने बच्चों से भी मिलवाऊंगी, और अपना घरेलू थोड़ा सा टाइम आप लोगों के साथ स्पेंड करूंगी। सो चलते हैं, और चलने के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूं कि मैंने बिल्कुल एक कोना सेपरेट बनाया हुआ है, और सेपरेट कोने के अंदर मैंने अपने कबूतर रखे हुए और तोते रखे हुए। कबूतरों ने दिए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह दो बेबी, कबूतरों के जो दो बेबी हैं, और ये समझ लें कि वो मतलब मैं उनकी ज़रा ज़्यादा केयर करती हूँ। सो मैं अपने कबूतर भी आपको दिखाती हूँ, और मैं आपको अपने तोते भी दिखाती हूँ। ये रात हो रही है और ये बेबी है, ये ब्लैक कलर का एक बेबी है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ। एक बेबी ये रहा, और ये पापा है कबूतर का, कबूतर है, और ये है कबूतरी, ठीक है। इसका एक बेबी जो है वो नीचे सो रहा है। ये दो बेबी हैं, और उसके अलावा ये मैंने बिल्कुल सेपरेट रखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन इंडियन इंडियन तोते रखे हुए हैं, ये ऑस्ट्रेलियन तोते हैं, ज़ाहिर है अंधेरा है ना, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सुबह में दिखाऊंगी रोशनी के अंदर अपने ये तोते। सेकंड, मेरे पास एक ये पिजन है, ये लोग भी अंधेरा हो रहा है ना, तो बड़े जो यूनिक और एंटिक पिजन हैं वो मैं आप लोगों को सुबह सुबह दिखाऊंगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह इनके कलर ऐसे हैं जैसे मोर। मैं अभी टॉर्च मार के आप लोगों को दिखाती हूँ इनके कलर। अभी मैं मिलवाती हूँ आपको जवाद से, ये मेरा बेटा है जवाद, और यहाँ पे इससे हेलो करते हैं। हेलो करें। हेलो, क्या नाम है जवाद आपका? मोहम्मद जवाद। अच्छा, और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फोर। क्लास फोर में, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो? सर राहिल स्कूल। अच्छा, सर राहिल स्कूल में पढ़ रहे हो। अच्छा जवाद, अभी आप थोड़ा सा मेरी हेल्प करवाएं कि जो मेरे कबूतर हैं, जो मैं कह रही हूँ कि बड़े यूनिक और बड़े ब्यूटीफुल हैं, टॉर्च मार के ना हम अपने फ्रेंड्स को पैरोट दिखाते हैं और कबूतर दिखाते हैं। ये जवाद और मैं अपने सहन में जा रहे हैं और अपने कबूतरों को आपको दिखाते हैं, और ये मैं पैक करती हूँ। ये देखें, ये मेरे कबूतर हैं, इनके पीछे पंख भी खड़े हुए हैं, जो पर कहते हैं, सो रहे हैं। इनकी खूबसूरती देखें, सुबह रोशनी होगी ना, मैं इंशाल्लाह रोशनी में आपको सही तरह दिखाऊंगी। उसके अलावा भी मेरे पास एक कबूतर है, ये भी बड़े यूनिक हैं, और उसके अलावा मैं बीबी भी दिखाती हूँ आपको। और ये देखें, ये बीबी हैं दो ब्लैक कलर के, और ये वाइट मम्मा है, इसके पापा हैं, बीबी ये रहा, ये देखें, ये चल के दिखा रहा, और एक बेबी ऊपर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, दो घंटे दिए थे और दोनों में से बेबी निकले। अच्छा, ये मेरे पास पैरोट हैं ऑस्ट्रेलियन, ये पैरोट कितने हैं जवान? चार। चार है ना, और इस वाले में क्या है? इस वाले में दो इंडियन हैं। दो इंडियन हैं। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को अपना थोड़ा सा शौक दिखाया कि मैंने क्या रखा है। ज़ाहिर लड़कों को शौक होते हैं, लड़कियों को तो इतने नहीं होते, बट जवाब मेरी हेल्प करते हैं। जवाब बताएं क्या करते हो आप? खाना डालता हूँ।
खाना डालते हो? साफ करते हो, अच्छा। और ये क्या खाते हैं, मतलब दाना? दाना खाते हैं। और मतलब हम लोगों को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, हमने कभी पाले भी नहीं है। ये थोड़ी सी मशीन लगाई हुई थी, डाले थे धोखे। सो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया अपना शौक, ये देखें ये मेरे कबूतर पीछे रखे हैं। सो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ये रहे मेरे कबूतर। थोड़ा सा यूँ करती हूँ, ये रहे मेरे कबूतर। और ये है कि घर में होती हूँ ना सारा दिन, मम्मा का जब से इंतकाल हुआ है तो ये है कि मैं बाहर नहीं जाती, वीडियोस नहीं बनाती। अब ओरिजिनल कंटेंट तो ओरिजिनल होता है और फेक काम तो फेक होता है ना। पिक्स एडिट करके पिक्स एडिट करना तो ये यूट्यूब की पॉलिसी के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। वन मंथ तो मैंने इसी तरह किया क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकल रही थी। सो मैंने सोचा कि घर में थोड़ी सी व्लॉगिंग कर लेती हूँ। व्लॉगिंग करके ये है कि ज़ाहिर है जस्ट टाइम पास तो करना है ना, अपना टाइम पास करना है। तो ये है कि इंशाल्लाह ताला व्लॉगिंग करती रहूँगी कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। आज मैंने दाल चावल बनाए थे और हस्बैंड मेरा थोड़ा सा लेट आते हैं, नमाज़ के लिए गए हुए होते हैं और मस्जिद में थोड़ा सा कुछ भी कर रहे होंगे तो मैं घर में होती हूँ ज़्यादातर ना। तो ये है कि मैं आज आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँ कि मैं ऑनलाइन वर्क भी करती हूँ, ऑनलाइन वर्क भी करती हूँ। ऑनलाइन वर्क ये है कि मैं बेडशीट्स, मेरे पास आती हैं सेल आउट के लिए, बेडशीट्स सेल आउट के लिए आती हैं, तो वो मैंने दी हुई हैं अभी लड़कियों को सेल आउट के लिए दी हुई हैं। इंशाल्लाह ताला उनके पास से आती हैं तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि बेडशीट्स जो हैं वो होल सेल रेट में भी मैं आप लोगों को दे सकती हूँ। जैसे अगर मार्केट के अंदर 1100 की जो बेडशीट्स हैं वो मैं आप लोगों को दे दूँगी 950 के रेट में, 950 के रेट में दे दूँगी। वो 1200 की भी सेल होती है, वो 1100 की भी सेल होती है। होल सेल रेट के अंदर मैं आप लोगों को इजीली दे सकती हूँ, एक लें आप या ज़्यादा क्वांटिटी में लें, मैं आप लोगों को होल सेल रेट दे दूँगी इंशाल्लाह ताला। बाकी ये है कि देखिए मेहनत में कोई शर्म नहीं है, मैं घर में बैठकर काम करती हूँ तो बाहर निकलना मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। छोटी बेबी है, ऊपर से मम्मा की वजह से निकलती थी, मम्मा हॉस्पिटल में एडमिट थी, मम्मा की वजह से बाहर निकलती थी तो वीडियो शॉर्ट आउट कर लेती थी सेकेंड, उसके बाद मेरा निकलना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपना घर भी दिखाती हूँ, घर भी दिखाती हूँ। ये अंदर एक कमरा है और एक ये बाहर कमरा है, ये मैं पूरा आपको शॉर्ट आउट करवाती हूँ। मुझे बहुत शौक है अपने घर को मेंटेन रखने का और सेकेंड अपने घर को सलीके से रखने का। और जो मेरा सबसे एंड का बेटा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैंने उसको बेड पे लिटाया हुआ था। थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा छोटा बेटा ये रहा। हेलो जाना दुल्ला, मम्मा का बच्चा, पेपर में मेरा बेटा लेटा हुआ है। और ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, एलर्जी हो रही थी तो मैंने उसको वॉश करवाने के बाद उसको लिटा दिया। सेकंड कल मैं आप लोगों के साथ बेडशीट्स शेयर करूँगी, जो भी मेरी घरेलू लाइफ है वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। इसी तरह आप लोगों ने मुझे प्यार देना है, सपोर्ट करना है, मेरे चैनल को खूब सपोर्ट करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और यहाँ तक के कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों ने अच्छा सा कमेंट भी करना है। यहाँ पे एंड करने से पहले मैं अपने बेटे अहमद से मिलवाऊँ। अहमद हेलो करें, क्या नाम है मेरे बच्चे का? अहमद। अहमद स्कूल जाता है? जाता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा अहमद कौन सी क्लास में? नर्सरी क्लास में। कौन सी क्लास में? थ्री क्लास में मेरा बेटा। ये 2 साल का है और ये 3 क्लास में है। ये इमेज चिन करने वाली बात है कि मतलब बस ये 3 क्लास में, तो मतलब 10 ईयर में तो ये मैट्रिक कर ही लेगा। और ये जो मेरे बेटे जवाद बैठे हुए हैं, ये देखें माशाल्लाह मेरे 3 बेटे और 2 बेटियां। ये देखें ये जवाद क्या खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो, बात करो सर, लो बात करो, बताओ क्या कर रहे हो आज स्कूल में, क्या हुआ, लड़ाई हुई, गुत्तम गुत्ती हुई, अच्छा बताओ किसने किसको ज्यादा मारा, आपने ज्यादा मार खाई थी या उन्होंने ज्यादा मार खाई थी? उन्होंने ज्यादा मार खाई थी। मुझे लग रहा आप मार खा के आए हो। उसको मैंने ज्यादा मारा, मैंने मारा उसका सर पकड़ कर डेस्क में, उधर ही खुद ही चला गया।
अच्छा, ये मेरी छोटी बेटी है, ये आप लोगों से कुछ कहना चाहती है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। ये मेरे पास आ रही है और अच्छा सा ये बोलेंगी तो आप लोगों ने चैनल को खूब सपोर्ट करना है। चलो आप बताओ, जल्दी से बोलो, बोलो व्यूअर्स, बोले ना अच्छा सा, अच्छा सा लाइक शेयर, लाइक शेयर करना। अच्छा, बच्चे जो होते हैं ना मन के सच्चे होते हैं। चलें, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट डे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।